तब हम सिग्नल्स को ढूंढ रहे हैं। जब वो मिल जाएंगे तो हमें नजदीकी लोकेशन का पता चल जाएगा। तुमने जो किया है किसके साथ किया है? कौन? तेरे लिए शॉकिंग है। पत्नी ने भी घर की सुख शांति के लिए ये वादा मंजूर कर लिया और जैसे ही वो बच्चा पैदा हुआ उसे अपनी बहन को दे दिया। लेकिन उसने अपनी बहन से भी ये वादा लिया कि वो उस बच्चे को जरूर बताएगी कि उसकी असली माँ कौन है। और जैसे ही शोभित को अपनी असली कहानी बताई गई वो काफी दूसरी तरफ 2 ही साल बाद पत्नी का अपने पति के साथ एक बच्चा हुआ जिसे परिवार का खूब प्यार मिला और काफी अच्छी एजुकेशन और परवरिश मिलने के बाद उसने बहुत पढ़ाई की जिसके बाद वो एक IAS ऑफिसर बन गया। IAS ऑफिसर अर्जुन को भी उसकी माँ ने अपने पहले बच्चे की पूरी घटना सुनाई और अब एक दिन IAS ऑफिसर अर्जुन के पास डाकू को पकड़ने का एक केस आया। ऑफिसर नहीं जानता था कि असल में ये डाकू कौन है और वो बस अपने काम पर लग गया। करीब 3 महीने की मेहनत और खोज के बाद उसे वो डाकू आखिर मिल ही गया और उसे पकड़ कर उसने जेल में डाल दिया। दोस्तों ऐसी ही कुछ कहानी दिखाई जा सकती है आने वाली मूवी बड़े मियां छोटे मियां 2। दोस्तों आपको आज की ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। ऐसे ही और दिलचस्प कहानियों और इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बॉलीग्राफ्स वीडियोस।